I conclude. Thank you very much. Thank you very much, Sri S.T. Hassan ji. Thank you very much, sir. आपने समाजवादी पार्टी तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया और ये वो टॉपिक है जिस पे देश का हर इंसान इससे इफेक्ट होता है. इसीलिए पार्लियामेंट में इतना गतिरोध हुआ. आप जिस तरह से महंगाई देश में बढ़ रही है और जिस तरह से गरीब परेशान है, मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है. और मैं ये समझता हूँ कि इसकी मेन वजह जो डीजल और पेट्रोल के रेट्स जिस तरह से बढ़ाए गए हैं. हमें वो दौर याद है सर कि जब 140 और 150 डॉलर पर बैलर इंटरनेशनल मार्केट में तेल बिकता था तो हम 70 रुपए पर लीटर तेल खरीदते थे. और वो दौर भी हमने देखा कि जब 30 रुपए बैरल पर लीटर पर बैरल मिला 30 डॉलर तो हमने 80 रुपए खरीदा. ये डिस्पेरिटी आखिर क्यों? वो पैसा कहाँ गया? आपने किन किन चीज़ों में खर्च करा? आपने गरीब का और हम सब लोगों का किस तरह से खून चूसा, ये सबको मालूम है. मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक अचानक एक फैसला आया कि डिमोनिटाइजेशन हो गया साहब, नोटबंदी हो गई. नोटबंदी के बाद देश में क्या हालात हुए सबको पता है. हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारी घरवालियों के जितना भी जमा थी वो आपने निकाल के बाहर पहुंचा दी. वो जो वो अपनी इमरजेंसीज के लिए रखा करती थी. सर हमारे देश ने बदकिस्मती से वो दौर भी देखा है कि जब इमरजेंसी आ गई कोविड की, हजारों लोग मर गए और गरीब के पास उसके बदन को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी तो उसने नदियों में अपने परिजनों को बहाया था. उस गरीब की आह कोई क्यों नहीं सुनता? हम अपने ही सरकारों में मगन है, अपनी बातों में मगन है. आपने कोविड की वजह से तकरीबन 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए. आपने वायदे कर रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे. 8 साल में 16 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे. अभी आपने रिपोर्ट देखी कि कुल 7 लाख रोजगार मिले. तो आखिर ये लंबी लंबी बातें करने से फायदा क्या है? क्यों मिसगाइड किया जाता है जनता को? आज हमारे रुपए की 80 से लौट के आया, 80 एक डॉलर की कीमत 80 रुपए हो गई थी. एक दौर वो था कि थोड़ा भी बढ़ता था तो बड़ा शोर मचता था. महंगाई की बहुत बड़ी वजह ये भी है सर. मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ और ये कहना भी चाहता हूँ कि कॉरपोरेट को आपने कितनी सब्सिडी दी? आपने गैस के सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म कर दी. आपने GST लगा दिया. आपने खाने पीने की चीज़ों पर GST लगा दिया. दूध दही जैसी चीज़ों पर GST लग गया. दाल और आटे पर GST लग गया. क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब पैक्ड फूड ना ले? और मार्केट का सबको मालूम है कि जो खुले में बिकता है उसमें कितना एडल्ट्रेशन होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. और उस एडल्ट्रेशन की वजह से देश के अंदर किसी के गुर्दे फेल हो रहे हैं, किसी का जिगर फेल हो रहा है और किसी को कैंसर हो रहे हैं. क्या आपका इनडायरेक्टली आबादी को कम करने का ये भी एक तरीका है? पैक्ड फूड पर आपने इतना GST क्यों लगाया? और इन चीज़ों पर आपने लगा दिया जो गरीब की थाली में था. मेरी सरकार आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इस GST को फौरन वापस लिया जाए. सर गरीब मरीज कैसे इलाज कराता मैं अच्छी तरह जानता हूँ. अपनी बीवी का जेवर बेचता है, मकान को गिरवी रखता है, अपनी ज़मीन को गिरवी रखता है और अपने परिजन का इलाज कराता है. आपने 1000 रुपये कमरे वाले पे भी GST लगा दिया. अरे वो तो मर रहा है बेचारा, वो कैसे कैसे अपना इलाज कर रहा है. ये कौन सी इंसानियत है कि वो भी सरकार को टैक्स दे? इस वक्त देश के अंदर एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा हो और इन्फ्लेशन के हालात आप देख रहे हैं. इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि बढ़ी हुई GST की दरों को फौरन वापस लिया जाए और डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम करा जाए, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से करा जाए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. श्री जयंत सिन्हा जी.